हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शालू है और मेरे यूट्यूब चैनल शालूज लव बुक पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी दही जमाना। बहुत ही क्रीमी, मलाईदार, थक्के वाला दही, बिल्कुल बाजार जैसा, हलवाई जैसा दही आप कैसे घर में जमा सकते हैं, तो उसकी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो घर में मीठा गाढ़ा दही बनाने के लिए आपको क्या करना है, किस तरह से जमाना है और किन बातों का ध्यान रखना है, तो सारी बातें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और एंड तक देखें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले दही जमाने के लिए हमें चाहिए होगा दूध। तो हमने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है। ये मैंने गाय का दूध लिया है, मेरे घर पर गाय है तो मैंने गाय का दूध लिया है। आपके घर में अगर भैंस का दूध आता है तो आप भैंस का दूध ले सकते हैं, या फिर मार्केट के पैकेट लाकर भी दूध ले सकते हैं। तो 1 लीटर दूध से यहाँ पर मैं दही जमाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हमें दूध को नॉर्मली हम जैसे उबालते हैं वैसे उबालना है। तो दूध में जब उबाल आ जाएगा उसके बाद में हम गैस को बिल्कुल लो कर देंगे। ये देखिए, दूध में उबाल आ चुका है। गैस को मैं बिल्कुल लो कर देती हूँ, गैस को हमें ऑफ नहीं करना है। और ये देखिए, हमें दूध को इस तरह से थोड़ा सा स्टर कर देना है, चला लेना है, ताकि इसकी जो मलाई है वो पूरी एक सी हो जाए दूध में। तो फ्रेंड, चलाने के बाद में अब इसमें हम ऐड करेंगे अपना हलवाई वाला सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जो कि है मिल्क पाउडर। तो मैं यहाँ पर 1 से 2 टेबल स्पून ऐड करूंगी मिल्क पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर गाय के दूध का मिल्क पाउडर लिया है, मेरे पास था तो मैंने यूज किया है। आप नेस्ले का ले सकते हैं, अमूल का ले सकते हैं, कोई भी मिल्क पाउडर आप यूज कर सकते हैं। इसको हमें इस तरह से मिला लेना है, मिक्स करना है, और इसको हम लगभग 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर ही थोड़ा सा स्टर करते हुए कुक करेंगे, ताकि जो मिल्क पाउडर है उसका कच्चापन पूरी तरह से निकल जाए और अच्छे से वो कुक हो जाए। तो थोड़ा सा इसको स्टर कर लिया, 2 से 3 मिनट तक कुक कर लिया। इसके बाद में गैस को मैंने ऑफ कर दिया। अब इस दूध को हमें करना है ठंडा, एकदम ठंडा नहीं करना है, इसको हमें गुनगुना रखना है। तो लगभग ठंडा कर लीजिए इसको, और जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद में हम इसको चेक करेंगे। अगर पूरी तरह से ठंडा हो जाता है तो हल्का सा गुनगुना कर लेंगे, और अगर आपका दूध ऑलरेडी गुनगुना है तो आप उस गुनगुने दूध से दही जमाने का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। तो मैं इसको रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध हमारा पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। इसको एक बार हम चला लेंगे तो अब ये दूध हमारा जमने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये गुनगुना है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है। तो गुनगुना दूध हमें चाहिए होता है दही जमाने के लिए। दही जमाने के लिए आप इस तरह का मिट्टी का बर्तन भी ले सकते हैं, और अगर आप बहुत जल्दी जमाना चाहते हैं, 2 से 3 घंटे में दही जमाना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप किसी कैसेरोल का यूज़ करें, जिसमें हम पराठे या सब्जियाँ रखते हैं वही कैसेरोल है जिसका आपको यूज़ करना है। तो आप प्लास्टिक का कैसेरोल ले सकते हैं, या इस तरह से अगर आपके पास स्टील का कैसेरोल हो तो आप कोई भी कैसेरोल ले लें। तो आज मैं आपको कैसेरोल में दही जमाकर दिखाऊंगी, सिर्फ 3 घंटे में किस तरह से जमकर रेडी मिलेगा। तो दूध को मैंने दूसरे बर्तन में डाल लिया है, साथ ही मैंने लिया है जामुन। ये मैंने फ्रेश दही लिया है, मेरा 1 दिन पहले का दही है जो मैंने लिया है, लगभग 1 टेबल स्पून। इसको सबसे पहले हमें इस तरह से स्टर कर लेना है, चला लेना है। इस तरह से चलाने के बाद में अगर आप दूध में ऐड करेंगे दही, जामन को ऐड करेंगे, तो वो एक सा मिल जाता है। एक भगोना और ले लें इस तरह से। तो ये हलवाई वाली ट्रिक है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, दूध को हमें इस तरह से मिक्स करना होता है। तो सबसे पहले आप इसमें स्टार्टर डाल दें, जो जामन था वो हमें इसमें ऐड करना है, और उसके बाद में दूध को हमें उछालना है। ये देखिए, 3 से 4 बार इस तरह से आप दूध को अच्छे से उछाल लीजिए। ऐसा करने से जो हमारा दूध है वो और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, एकदम पूरी तरीके से उसमें जामन मिक्स हो जाएगा, और उसके बाद उससे अगर हम जमाएंगे अपना दही तो दही हमारा बहुत ही बढ़िया मलाईदार थक्के वाला जमेगा। तो दूध को यहाँ पर मैंने पलट दिया है कैसेरोल में, अच्छे से मिक्स करने के बाद में जामन भी इसमें जा चुका है फ्रेंड्स, और ये जो दूध है अभी भी हमारा गुनगुना है। तो एकदम ठंडा दूध नहीं लेना है हमें, एकदम गर्म दूध का यूज़ नहीं करना है, हमें गुनगुना दूध लेना है। ऐसा दूध लेना है जिसमें अगर हम फिंगर डालकर देखें तो बहुत आराम से आप उसको सहन कर पाएं। अगर आप बहुत ज्यादा गर्म दूध का यूज करेंगे और उससे दही जमाएंगे तो आपका जो दही है एकदम फटाफटा बनेगा और अच्छा नहीं बनेगा, खट्टा भी बहुत जल्दी होगा। और देखिए, कैसेरोल को मैंने बंद कर दिया है। अब इसको हम रैप करेंगे एक टॉवल में। तो समर सीजन है तो कोई टॉवल ले सकते हैं, उसमें आप रैप कर दें, इससे हमारा दही बहुत जल्दी जमता है। ये भी एक हलवाई स्टाइल ट्रिक है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से रैप करके इसको 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, और आप देखिएगा आपका दही कितना बढ़िया और जल्दी जमता है। अगर विंटर सीजन है तो आप इस कैसेरोल को किसी आप शॉल में या फिर किसी
गरम कपड़े में रैप कर सकते हैं, तो विंटर सीजन में गरम कपड़े में रैप करके आप दही जमाएं। ये देखिए लगभग 3 घंटे में हमारा दही जम चुका है, पर ये अभी पूरी तरह से सेट नहीं हुआ है, हल्का ये हिल रहा है। इसको कम्प्लीटली सेट करने के लिए इसको फ्रिज में रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ, 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटे में ये दही हमारा सेट हो जाएगा। देखिए फ्रिज में मैंने इसको रख दिया था, अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारा दही कम्प्लीटली सेट हो चुका है। दही देखिए हमारा बहुत ही बढ़िया जमा है और आप देख सकते हैं इसके ऊपर बिल्कुल पानी नहीं छूटा है और बहुत अच्छे से यह सेट हो चुका है। तो आप भी इसको इस तरह से बनाकर जरूर देखिएगा, जमाइएगा आप दही। आपका दूध लो फैट हो, फुल फैट हो, गाय का हो, भैंस का हो, कैसा भी दूध हो, आप उससे अगर दही जमाएंगे तो बिल्कुल ऐसा ही दही आपको मिलेगा। ये देखिए मैं आपको काट कर दिखा रही हूँ, बहुत ही मलाईदार, बहुत ही बढ़िया दही है। आप इससे रायता बनाइए, कढ़ी बनाइए, आप इससे कोई भी रेसिपी बनाएं, बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो आप भी ट्राई कीजिए मेरी इस हलवाई स्टाइल ट्रिक को। अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो जल्दी से लाइक का बटन दबाइए, कमेंट करके मुझे बताइए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, मेरी इस रेसिपी को अपने सारे सोशल मीडिया लिंक्स पर शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप रखिए अपना ख्याल, फिर मिलती हूँ एक बिल्कुल नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, लव यू।